कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। नाउ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जब हम बात करते हैं, सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट का तीन ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं, दैट इज़ पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलो, एंड दी बैलेंस शीट। आप लोग की बुक में स्टार्ट ही हुआ है बैलेंस शीट से, ये जो ब्लॉक है इसमें बैलेंस शीट से ही स्टार्ट हुआ। सो व्हाट इज़ अ बैलेंस शीट? अगर हम लोग बैलेंस शीट को डिफाइन करना चाहें, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये पर्टिकुलर डेट नॉर्मली हमारे इंडिया में फिनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है, विच इज 31st of March एवरी ईयर। फाइन, सो बैलेंस शीट इज कंसर्न विद रिपोर्टिंग द फिनेंशियल पोजिशन। आप अगर देखो इंटायरली आप अगर देखो एसेट और लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी का एंटायर प्रोफाइल अगर किसी कंपनी का समझ में आ जाता है, तो हमें समझ में आ जाता है फिनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब वो कंपनी का फिनेंशियल स्टेटस क्या है पूरी तरह से। क्योंकि देखो, इफ़ यू ओनली नो दी नेट सेल्स और दी नेट इनकम, यू मे नॉट बी एबल टू कैलकुलेट दी एग्जैक्ट फिनेंशियल पोजिशन, आप अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। बट इफ़ यू हैव टू टेक द फिनेंशियल डिसीजंस, आपको फिनेंशियल डिसीजंस अगर लेने हैं, सो फॉर दैट रीजन यू हैव टू एनालाइज द इन टोटैलिटी फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बैलेंस शीट इज वन सच वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। यहाँ पे देखो सारी चीजें आ जाती हैं, थिंग्स ऑफ द वैल्यू ओन बाय द इक्विटी एज ऑल्सो द क्लेम्स अगेंस्ट दिस थिंग्स ऑफ वैल्यू। मतलब एक ओनर जो है उसका क्या अपना है, ओनर्स वैल्यू आप देख लो, एक कंपनी में ओनर्स के अपनी चीज क्या है, अपनी प्रॉपर्टी कितना है और कितना उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज, ये दोनों चीजें ही बैलेंस शीट में बताई जाती है, व्हिच विल गिव यू द एग्जैक्ट पोजीशन, राइट? एग्जैक्ट पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड एज बैलेंस शीट, इज वैलिड ओनली अंटिल अनदर ट्रांजैक्शन इज कैरिड आउट बाय द एंटिटी। कंसेप्चुअल बेसिस ऑफ अ बैलेंस शीट, यहाँ पे कुछ चीजें एक एग्जाम्पल देख के समझाया गया है, लेट अस गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। आई वॉन्ट टू परचेज अ कार कॉस्टिंग